एक सुंदर गांव में छोटी सी आन्या नाम की एक लड़की रहती थी। उसका सबसे अच्छा दोस्त एक खुदरा खरगोश था जिसे वह मिट्टू कहकर बुलाती थी। एक दिन आन्या ने गांव के आसपास घूमते हुए मिट्टू को पाया और उससे दोस्ती की। मिट्टू ने उसे अपने खुदरे गुहरे में ले जाकर अपने जीवन की कई कहानियां सुनाई। यह अजीबोगरीब दोस्ती देखकर लोग हैरान रह गए, पर आन्या और मिट्टू के बीच की बॉन्ड सबसे मजबूत थी। ये दोनों बर्फीली रातों में भी एक दूसरे के साथ समय बिताते और अनगिनत सपनों की यात्रा करते। इस प्यार भरे संबंध की कहानी गांव वालों के बीच प्रसिद्ध हो गई और उन्हें यह सीख मिली कि दोस्ती का रंग, चाहे वह किसी भी रूप में हो, सदैव सुंदर होता है।